नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैपस्टन लेथ और ट्रट लेथ के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि लेथ किसे कहते हैं। लेथ एक मशीन टूल है जिसका प्रयोग वर्क पीस से मेटल रिमूव करने के लिए किया जाता है ताकि डिज़ायर्ड शेप और साइज मिल सके। और लेथ मशीन टूल पर बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे ड्रिलिंग, बोरिंग, नर्लिंग, थ्रेड कटिंग, चैम्फरिंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग इत्यादि। और अब बात करते हैं कि जो कैपस्टन लेथ और जो ट्रट लेथ हैं, इनको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब हम सेंटर लेथ का यूज़ करते थे या फिर जो क्लासिकल लेथ मशीन है जिसे हम सेंटर लेथ कहते हैं, उस केस में था कि सिर्फ एक टूल पोस्ट होता था और टेल स्टॉक पर सिर्फ एक ही टूल को फिट किया जाता था। और इसी वजह से सेंटर लेथ पर काम करते समय ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो अलग अलग टूल बदलना पड़ता था। और कह सकते हैं कि जो सेंटर लेथ थी वह मास प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं थी और उसकी स्पीड भी कम होती थी। और इस वजह से इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए और मास प्रोडक्शन में कार्य को करने के लिए कैपस्टन लेथ और ट्रट लेथ को बनाया गया। और कह सकते हैं कि जो कैपस्टन लेथ और ट्रट लेथ हैं, यह इंजन या सेंटर लेथ का एडवांसमेंट वर्जन है, जहां पर टेल स्टॉक को रिप्लेस कर एक हेक्सागोनल ट्रट हेड का प्रयोग किया जाने लगा। और इस प्रकार ये जो दोनों लेथ हैं, कैपस्टन और ट्रट, ये दोनों प्रोडक्शन लेथ भी हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी कैपस्टन लेथ और ट्रट लेथ दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके आधार पर कैपस्टन और ट्रट लेथ के बीच में डिफरेंस है। और वो एस्पेक्ट हैं जैसे साइज है, ऑपरेशन है, कंस्ट्रक्शन इत्यादि। तो बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कैपस्टन लेथ एक लाइट वेट मशीन है, जबकि ट्रट लेथ हैवी वेट मशीन है। कैपस्टन लेथ में जो ट्रट टूल हेड, वह रैम के ऊपर माउंटेड होता है और रैम सैडल पर माउंट होता है, लेकिन ट्रट लेथ के केस में जो ट्रट टूल हेड है वह सैडल पर माउंटेड होता है। और इन केस ऑफ कैपस्टन लेथ, टूल को फीड प्रोवाइड करने के लिए रैम को मूव किया जाता है, जबकि ट्रट लेथ में सैडल को ही मूव करके टूल को फीड प्रोवाइड की जाती है। सैडल डिस्प्लेसमेंट नहीं होने के कारण कैपस्टन लेथ में टरेट टूल हेड की मूवमेंट बेड के ऊपर लोंगिट्यूडनल डायरेक्शन में कम होती है और अलोंग विद रैम, जबकि टरेट लेथ में टरेट टूल हेड सैडल के अलोंग व सैडल के साथ पूरे बेड पर लोंगिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करता है। जो कैपस्टन लेथ है, यह स्मॉल वर्क पीस के लिए प्रयोग होती है क्योंकि रैम की मूवमेंट सीमित होती है, जबकि टरेट मशीन में लॉन्ग या बड़े साइज के वर्क पीस के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सैडल की मूवमेंट एंटायर बेड पर की जा सकती है। कैपस्टन लेथ का वर्किंग ऑपरेशन तेज होता है क्योंकि इसकी लाइट कंस्ट्रक्शन होती है, जबकि टरेट लेथ में जो वर्किंग ऑपरेशन है वह स्लो होता है क्योंकि इसकी हैवी कंस्ट्रक्शन होती है। कैपस्टन लेथ में नॉन रिजिड कंस्ट्रक्शन होने के कारण वर्क पीस के ऊपर हैवी कट नहीं किए जा सकते, और टरेट लेथ की रिजिड कंस्ट्रक्शन होने के कारण इस पर वर्क पीस पर हैवी कट दिए जा सकते हैं। कैपस्टन लेथ में जो टरेट टूल हेड को इंडेक्सिंग करने के लिए रैम के हैंड व्हील को रिवर्स घुमाते हैं और टरेट टूल इंडेक्स ऑटोमेटिकली फिर हो जाता है। अगर हम टरेट लेथ की बात करें, यहाँ पर टरेट टूल हेड इंडेक्सिंग के लिए टरेट को मैनुअली घुमाते हैं क्लैंपिंग लीवर को रिलीज करने के बाद। अगर हम कैपस्टन लेथ की बात करें तो इसमें जो टरेट हेड है उसको बेड की लेटरल डायरेक्शन में मूव नहीं किया जा सकता, जबकि टरेट लेथ मशीन में टरेट हेड को क्रॉसवाइज मूव कर सकते हैं, मतलब बेड की लेटरल डायरेक्शन में, लेकिन यह कुछ टरेट लेथ में ही संभव है। जॉब और वर्क पीस को ग्रिप करने के लिए कैपस्टन लेथ में कोलेट का प्रयोग किया जाता है,
जबकि टरेट लेथ में जॉब या वर्कपीस को ग्रिप करने के लिए पावर जा चक का प्रयोग किया जाता है। कैपस्टन लेथ पर 60 mm डायामीटर तक के वर्कपीस की ही मशीनिंग की जा सकती है, लेकिन टरेट लेथ पर 120 mm डायामीटर तक के वर्कपीस को मशीन करना संभव है। कैपस्टन लेथ यूजुअली हॉरिजॉन्टल लेथ होती हैं, जबकि टरेट लेथ हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल लेथ दोनों वर्जन में मौजूद होती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज बात की कि कैपस्टन लेथ और टरेट लेथ में क्या डिफरेंस है, और अगर हम इसकी इंजन लेथ के साथ कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन के दौरान यह पता लगता है कि जो कैपस्टन लेथ और टरेट लेथ हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर हैं, क्योंकि इनकी जो कंस्ट्रक्शन है इंजन लेथ और सेंटर लेथ के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।